हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग मैथ जे सी आर टी क्लास 8 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। मैं इससे पहले का जो भी क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आपको चैनल पर जाइए या डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगर इससे पहले की किसी सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं आप। तो इस वीडियो में हम लोग इस 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक, इसका आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। ठीक, मतलब सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर ऐसे 16, ऐसे ऐसे बढ़ते क्रम में। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि ये सारे परिमेय संख्या है। इस सारे परिमेय संख्या का पहले हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, उसके बाद इस सारे परिमेय संख्या को जो हर हुआ है 2, 9, 3, 6, 2, 9, इन सब का LCM यानी लसा निकाल लेंगे। इसका लसा कितना हो जाएगा, अगर लसा कैलकुलेट करें तो लसा हो जाएगा हमारा 18। लसा कितना हो जाएगा 18। ये आप लसा निकाल लीजिएगा। देखिए तो अब हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो भी अंक है इनका लसा हर कितना बनाना होगा, 18 बनाना होगा। इनका हर 18 बना देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए अब देखिए 2 को 18 बनाने के लिए क्या करना होगा, 9 से गुना कर देना होगा। 9 को 18 बनाने के लिए 2 से गुना कर देना होगा। 3 को 18 बनाने के लिए 6 से गुना कर देना होगा, और 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुना कर देना होगा। और जब इसके हर में 3 से गुना करेंगे तो इसके अंश में भी 3 से गुना करेंगे। इसके हर में अगर 6 से गुना करें तो इसके अंश में भी 6 से गुना करेंगे। इसके हर में 2 से गुना करें तो इसके अंश में भी 2 से गुना करेंगे। इसके हर में 9 से गुना करें तो इसके अंश में भी 9 से गुना करेंगे। अब देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। 3 × 3, 3 × 6 = 18, 6 × 6 = 24, 3 × 6 = 18, 2 × 2 = 4, 9 × 2 = 18, 9 × 9 = 18। अब आपको यहाँ पर ही पता चल गया होगा कि इसमें कौन बड़ा है और कौन कितना छोटा है। ठीक, चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। अतः ये कैसे स्टार्टिंग है, ये देखिए सबसे छोटा को ढूंढेंगे। सबसे छोटा कौन है, 3/18, उससे बड़ा है 4/18, उससे बड़ा है, सॉरी हम लोग को ये चीज़ नहीं लिखना होगा यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर क्या लिखना होगा, इसके जस्ट ये वाला, ठीक है, इस पोर्शन को लिखना होगा। इस चीज़ को हम लोग को नहीं लिखना है, ये हम लोग को बता रहा है कि हाँ कौन बड़ा है। यहाँ पर हम लोग को ऐसे लिखना होगा, जैसे सबसे छोटा ये है तो 1/6, फिर 2/9, फिर 1/2, और फिर 4/3, आपका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको बना देना है। चलिए अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। अब आप बी नंबर क्वेश्चन देखिए, बी नंबर को भी हम उसी तरह ऐसे लिख लेंगे पहले। ठीक, उसके बाद इसको चेक करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 5, 7, 2 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 2 × 70 = 210, 210 इसका एलसीएम आएगा। मतलब इसके हर को, अब यहाँ पर हम लोग को जब एलसीएम 210 है तो इसके सारे के हर को 210 बना देना होगा। तो 4/5 − 2/7 − 1/2 − 1/3 * कर देना है पहले हर के साथ हम लोग को गुना करके। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 को बंद करेंगे, उसके बाद तीनों को गुना करेंगे आपस में, 7 × 2 इधर से कर लेते हैं, 3 × 2 = 6 और 6 × 7 = 42। जब 42 आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 42। अब यहाँ 7 है नीचे में, 7 को बंद कर दीजिए, 7 को मत देखिए, और 5 × 2 = 10 और 10 × 3 = 30। अब यहाँ पर 2 है, 2 को बंद कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 105। अब यहाँ 3 है तो 3 को बंद कर दीजिए, 3 को ऐसे बंद कर दीजिए और इसको गुना करने की कोशिश कीजिए,
7 × 5 = 35, 2 = 70। अब जब इसके हर के साथ 70 से गुना करेंगे तो इसके हंस के साथ 70 से गुना करेंगे, इसके हर के साथ 105 से तो इसके हंस के साथ भी 105 से, इसके हर के साथ 30 से तो इसके हंस के भी साथ 30 से, इसके हर के साथ 42 से तो इसके हंस के साथ भी 42 से गुना कर देंगे। अब गुना करने के बाद देखते क्या आता है, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16 और ये तो आ जाएगा 210, 2 × 5 = 10, 4 × 2 = 10, 4 × 5 = 20। यहाँ पर देखिए 0 - 60 नीचे में क्या आ जाएगा 210, यहाँ पर ही -105 नीचे में 210, यहाँ पर ही -70 मतलब 70, यहाँ पर 210। अब हम आपसे पूछे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन है, तो जो अंक माइनस में सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, मतलब यहाँ पहले 1/-1/2 हो जाएगा, फिर इससे बड़ा कौन है तो ये इससे बड़ा है -70/10 तो -1/3 हो जाएगा, और फिर इससे बड़ा कौन है तो ये है -2/7 हो जाएगा, उसके बाद 4/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर इसका भी हो गया। चलिए अब हम लोग सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ सी नंबर क्वेश्चन है, तो सी नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकाल लेंगे, हर का एलसीएम निकालना होगा। उसके बाद इसको देखिए 2 से 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6, 8, 12, फिर 2 से करेंगे 1, 3, 4 और ये 12 कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे 1, 3, 2, 3, अब एक बार 3 से कर देंगे 1, 1, 2, 1। आपको अगर एलसीएम नहीं आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, एलसीएम के ऊपर भी एक वीडियो ला देंगे, अगर एलसीएम आती है तो अच्छी बात है। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 48। मतलब इसके जो भी हर है इस सारे हर को क्या बना देना होगा, 48 जब अगर हम लोग बना देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका 48 बनाने का तरकीब लगा देते हैं, -7/16, 11/-24। यहाँ देखिएगा यहाँ अभी क्या होगा, अब हम लोग इसको 48 बनाना है, जब 48 बनाना है तो 4 को 48 बनाना है, यहाँ पे क्या करेंगे 24 16 = 64, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, 12 = 48। अब 12 में 4 से अगर गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 48, 16, 16 × 3 = 48, 24 × 2 = 48। जब इसके हर के साथ 2 से गुना किए तो अंश के साथ भी 2 से, हर के साथ 3 से तो अंश के साथ भी 3 से, हर के साथ 4 से तो अंश के साथ और ये 12 से। अब इसको फटाफट कर लेते हैं कैलकुलेशन, 12 × 3 = 24, 48 20 48, ये माइनस में आएगा 21 48, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 और -48, सब माइनस में है। ये माइनस को हम लोग चाहते हैं तो ऊपर भी ले जा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको माइनस से बस ऊपर नीचे गुना कर देना होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, मतलब -3/4, उसके बाद उससे छोटा सॉरी उससे बड़ा 22 सॉरी इसको ये नहीं लिखेंगे 11/-24, इससे छोटा -7/16, इससे छोटा 5/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग डी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे,
6923 का, ठीक। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 1 1, ठीक। 3 दूनी 6 3 की 9, मतलब हम लोग को, सॉरी, 3 दूनी 6 3 18, मतलब सबको हर अगर 18 हो जाए तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। फोर बाई थ्री इंटू इंटू सब में कर देंगे हम लोग। अब इसके हर के साथ कितना से गुना करें कि 18 आ जाए, तो 3 से गुना कर देंगे, 6 3 18, 9 2 18 और 2 9 18 और 6 3 18, ठीक। अब जब इसके हर के साथ 6 से, तो अंश के साथ 6 से, ये 3 बाई 18 हो जाएगा, यहाँ पर ही 4 बाई 18 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बाई 18 हो जाएगा, और यहाँ पर ही 6 6 24 बाई 18 हो जाएगा। जब 24 बाई 18 हो जा रहा है तो अब हम लोग सबसे छोटा अंक ढूंढेंगे, तो सबसे छोटा अंक, इसमें माइनस वाला कोई नहीं है, तो सबसे छोटा अंक ऊपर वाला हो जाएगा 1 बाई 6, उसके बाद 2 बाई 9, उसके बाद 1 बाई 2, उसके बाद 4 बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को इसी वीडियो में कवर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब कि अभी तो हम लोग बढ़ते क्रम में लिख रहे थे, छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब हम लोग को घटते क्रम में लिखना है, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। तो यहाँ पर ही पहला क्वेश्चन है 3 11 बाई 6 8 बाई 3 1 बाई 3, तो सबसे पहले हर का हम लोग को लसा निकाल लेना होगा। हर में यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, मतलब इसके पास 1 है, 1 6 3 3, अगर लसा निकालेंगे पहले 3, पहले 2 से करेंगे, 2 से नहीं, पहले ही 3 से कर लेते हैं, 1 2 1 1, 3 2 6, मतलब इसके कहने का मतलब है कि अगर हम लोग हर में 6 ला देते हैं, सबका हर 6 कर देते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से 6 को गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 6 से 1 को गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को 2 से और 3 को 2 से, जब इसके अंश में हर में 2 से गुना किए हैं तो अंश में भी 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर ही हर में अगर 6 से गुना किए हैं तो अंश में भी 6 से गुना करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, 18 बाई 6 11 बाई 6 8 2 16 बाई 6 और 2 बाई 6। अब यहाँ पर ही आप सबसे पहले सबसे बड़ा अंक देखिए कौन सा है, सबसे बड़ा अंक ये वाला है, मतलब 3 बाई 1, इस टाइप में हम लोग लिखेंगे, 3 सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा ये वाला है 8 बाई 3, उससे छोटा ये वाला है 11 बाई 6, उससे छोटा ये वाला है 1 बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे इसका, ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन है, ठीक। देखिए अब इसमें इसका जो भी हर है सबका हर को बराबर करना होगा, तो पहले एलसीएम निकालेंगे, पहले 3 से करते हैं, 1 7 7, और ये 42 कितना बार में हट जाएगा, 14 3 42, यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर हम लोग 7 से कर लेंगे, 1 1 1 और 2, 27 21 2 42, मतलब सबको अगर सबका हर अगर हम लोग 42 कर दें, 42 बना दें, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 3 को अगर 42 बनाना होगा तो क्या करना होगा, और 14 से गुना कर देंगे, 7 को अगर 42 बनाना है तो क्या करेंगे, और 6 से गुना कर देंगे, और 21 को 42 बनाना है तो 2 से गुना कर देंगे, और 42 को 42 बनाना है तो 1 से गुना करेंगे, 1 2 6, और यहाँ 42, फटाफट कर लेते हैं, 28 बाई 42 माइनस 18 बाई 42, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 बाई 42, और ये 13 बाई 42। यहाँ पर आप देखिए
सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 28/42, तो उसको पहले लिखेंगे 2/3। उससे छोटा कौन है? उससे छोटा है 13/42। उससे छोटा कौन है? इससे छोटा कौन है? तो 5/21। इससे छोटा कौन है? इससे छोटा ये है, -3/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग सी नंबर देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सी नंबर क्वेश्चन है, -3/10, 7/-15, -9/20 और -11/30। ठीक, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबके हर को एक समान करना होगा, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लसन निकाल लेते हैं। यहाँ पर माइनस प्लस दें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दो से पहले कर लेंगे, 2 × 5 = 10, 15, 10, 15। अब हम लोग 5 से करेंगे, 5 × 5 = 3, 2, 3। पहले हम लोग को यहाँ 3 से कर लेना चाहिए था, लसन का तो नियम वही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा नियम का उल्लंघन हो गया है यहाँ पर ही, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को इससे मतलब ही नहीं है, हम लोग को इससे मतलब है एक। अब क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और 10 × 3 = 30, 30 × 2 = 60। अगर सबके हर को 60 बना दें तो हमारा जो आंसर है ना वो मिल जाएगा। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, सबके हर को 60 बनाएंगे, 60 बनाने की तरफ चल देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको 60 बनाना होगा, 2 से गुना कर दो तो ऊपर भी 2 से, यहाँ 3 से तो ऊपर भी 3 से, यहाँ 4 से तो ऊपर में भी 4 से, और यहाँ 6 से तो ऊपर में भी 6 से। 6 × 18 - 18 = 60, 6 × 28 - 64, और यहाँ पर 9 × 27 माइनस में आएगा, नीचे भी 60, 11 × 2 = 22। देखिए सबके पास माइनस 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 है, ये नीचे है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चल जाएगा, मतलब सबके पास माइनस है। तो माइनस में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा माइनस में वही होता है जो सबसे छोटा होता है, मतलब -3/10। उससे बड़ा कौन है, सॉरी उससे छोटा कौन है? अब इससे छोटा ये हो जाएगा, -11/30। अब इससे छोटा कौन है? ये हो जाएगा, -9/20। अब इससे छोटा ये है, 7/-15। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पर ही 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखिए, मतलब -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। अब इसके बीच में 3 परिमेय संख्या तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, 3 परिमेय संख्या परिमेय संख्या अनलिमिटेड मिल जाएगा इसके बीच में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका हर कुछ नहीं है तो हर अपने से 1 दे सकते हैं, और इसको क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पर ही अगर 3 से गुना करेंगे तो हमें 2 ही परिमेय संख्या मिलेगा। यहाँ पर हम लोग 4 से काम करते हैं, 4 से गुना करते हैं, और 0 को भी 1 है उसके पास, और 4 से गुना कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/4, और इसके पास भी 0/4। 0 तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग अब इसका आंसर लिखेंगे, अतः या ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 परिमेय संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए नीचे में हम लोग तो कर दिए हैं, लेकिन ऊपर में नहीं, कि वो गलती कर दी यहाँ पर ही हम लोग। यहाँ पर नीचे में जब अगर 400 गुना कर रहे तो ऊपर में 400 गुना करना चाहिए था, यहाँ पर क्या आता है, -4। और यहाँ पर ही ये तो कुछ भी अगर यहाँ 4 से भी गुना करते हैं तो वो 4 0 बना ही देता है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुई थी। यहाँ पर देखिए -3/4, -2/4, -1/4, 3 परिमेय संख्या हम लोग इसके बीच के निकाल दिए। देखिए ये परिमेय संख्या जो बीच की होती है, हो सकता है कि अगर आपके बुक का आंसर में कुछ अलग दिया हो तो उसे हड़बड़ाना नहीं, ये भी आंसर सही है। ठीक, वो भी आंसर हो सकता है कि इसको अगर हम यहाँ पर 10 रखते तो नीचे 10 आती, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाती। ठीक, तो उससे हड़बड़ाना नहीं, आंसर सही होती है। अब देखिए हम लोग यहाँ देखिए बी नंबर क्वेश्चन है, लेकिन बी नंबर क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि इसका जो हर है वो बराबर नहीं है, तो इसके बीच का परिमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करने में मुश्किल आ सकती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हर को पहले बराबर कर देंगे,
इसके हर को इससे गुना कर देंगे 3 से, और इसके हर को इससे गुना कर देंगे 2 से, तो अंश को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा -3/6, और इधर कितना हो जाएगा 2×4/6। यहाँ लिख देंगे हम लोग आसानी से, 3 परिमेय संख्या इक्वल टू, परिमेय संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/6, -1/6, 1/6, 2/6। रहने दीजिए, तीन ही परिमेय संख्या में ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग का सी नंबर क्वेश्चन है। अब सी नंबर क्वेश्चन का भी हर अलग अलग है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ये, तो इसके हर को पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, -5/7 इधर -3/8 इसमें इंटू कर देंगे, इसमें इसका 8 से गुना कर देंगे, और इसमें 7 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 8×45/8×56 इधर -21/56। अब यहाँ पर ही हम लोग लिख सकते हैं 3 परिमेय संख्या इक्वल टू, परिमेय संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा -39/56, -38/56, -37/56। ये भी लिख सकते हैं, या इसका दूसरा ये इधर से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, वो कैसे होगा -22/56, -23/56 और -24/56। ये बीच में से भी कहीं से उठाकर कुछ लिख देंगे, वो भी हमारा आंसर जो होगा सही होगा। ये हमारा 9 नंबर तक क्वेश्चन था, और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।